दोस्तों अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जहां पे पेशेंट की जो सांस की नली है उसमें सिकुड़न हो जाती है और उसमें सूजन आ जाती है, साथ ही फेफड़ों के अंदर जो उसकी जो हवा खींचने की है, हवा जो हमारी ऑक्सीजन है उसको स्टोर करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, ठीक है। साथ ही उसमें कफ भर जाता है और इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस फूलता है, गड़बड़ाहट होती है, गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ें आती हैं, साथ ही इसके अंदर आपको अस्थमा अटैक आने पर डेथ होने का खतरा भी रहता है। और साथ ही इसका जो इलाज है एलोपैथिक में, आपको पता है सबको कि आपको टेबलेट स्टेरॉइड्स चलते हैं या फिर आपको देते हैं पंप, तो ये लाइफ टाइम लेना होता है, ये परमानेंट इलाज नहीं है। पर आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ, घरेलू नुस्खा है, बड़ी आसान और बहुत ही इजी नुस्खा है, आसानी से उसको घर पे बना सकते हो आप, और उसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका है, तो आज वो मैं बताऊंगा जो कि आपका अस्थमा से लड़ने में फायदा करेगा, साथ ही आपका पंप छुड़वा देगा, आपकी दवाइयां छुड़वा देगा और अस्थमा से आपको स्वस्थ करेगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि बहुत ही इजी नुस्खा है, आप घर पे आराम से बना सकते हो लाल प्याज के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखें, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा किंगडम। दोस्तों लाल प्याज के अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, ये आपका जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में फायदा करते हैं, साथ ही इसके अंदर आपको फ्लेवोनॉइड्स और एंथोसियासिस मिलते हैं। एंथोसियानिस तकरीबन 25 से ज्यादा इसके अंदर होते हैं, और जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो आपके खून को पतला करने में मदद करते हैं, ठीक है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स है वो भी ये ले सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम वो भी ले सकते हैं। लाल प्याज के अंदर फ्लेवोनॉइड्स काफ़ी मात्रा में होते हैं, साथ ही इसके अंदर जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की ताकत होती है, ठीक है, साथ ही इसके अंदर जो विटामिन है, विटामिन बी है, विटामिन के है, विटामिन सी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, साथ ही इसके अंदर मिनरल्स भी बहुत ही ज़्यादा भरपूर मात्रा में होते हैं। तो आप अगर इसका यूज अस्थमा के पेशेंट्स अगर आप सलाद के रूप में करते हो तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। पर अब मैं जो नुस्खा बताने वाला हूँ वो इस प्रकार है, आपको उसके लिए सिंपली लेना है 250 ग्राम प्याज, ठीक है, और साथ में लेनी है 100 ग्राम ब्राउन शुगर, ठीक है, ब्राउन शुगर आती है आप आराम से मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है, वो लेनी है आपको, ठीक है। साथ में लेना है आपको 3-4 चम्मच शहद, ठीक है, और आपको लेना है पानी और एक नींबू आधा कटा हुआ, ठीक है। अभी आपको करना क्या है कि एक पतीला लेना, उसके अंदर आपको ब्राउन शुगर डाल लेनी है और उसको पिघला लेना है, ठीक है, गैस पे रख के पिघला लो चाहे तो, ठीक है। अभी इसके अंदर अपने को डालनी है लाल प्याज, ठीक है, कटी हुई काट के डालनी है अपने को, 250 ग्राम जो लाल प्याज लिया अपने उसको काट के उसके अंदर डाल लें, अच्छे से मिक्स करें, ठीक है। फिर उसमें अपने को डालना है पानी, अभी पानी को उबाल लें अच्छे से, पानी जब उबल जाए, निकल जाए पानी, उड़ जाए सारा, तो उसको उतार लें नीचे, और अभी उसके अंदर अपने को डालना है 5-6 चम्मच जो अपने शहद लिया वो और नींबू, ठीक है। अभी इसको मिक्स करके एक जार में भर के रख लें, और इसका यूज आप खाली पेट करें सुबह और शाम को दोनों टाइम पे, ठीक है। इसका यूज आपको तकरीबन 1-1.5 चम्मच तक लेना है इसको, अगर आपने काट रखी है एक प्याज के 4 हिस्से किए हुए हैं तो उसमें से एक प्याज लेनी है, 1-2 प्याज ले सकते हो, 2 हिस्से ले सकते हो कुल मिला के, आपको 4 से ज्यादा ही टुकड़े करो, मतलब कुल मिला के आपको आधी प्याज लेनी है, ठीक है। वो आप सुबह शाम लो और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों, इसके अंदर आपको अस्थमा से पूरी तरह से निजात मिलेगी, आपको जो अस्थमा की जो दवाइयां ले रहे हो चाहे वो स्टेरॉइड्स हो जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, साथ ही आप जो अगर पंप यूज कर रहे हो तो उसका भी यूज करें, साथ ही आपको योगासन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें, ठीक है, और जितने भी योग हैं जो कि अस्थमा में हेल्पफुल रहते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आपको अस्थमा में बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है, और बाकी योग सारे कर सकते हो, क्योंकि योग में आपको सांस लेना, इनहेल और निकालना बहुत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है अस्थमा के पेशेंट्स में। तो वीडियो आपको आज का वीडियो इसी के ऊपर था कि अस्थमा का जो घरेलू इलाज मैं बताना चाह रहा था आपके लिए, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब किया ना कहीं जाना, मैं मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।